धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझको जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से यह पास होकर के आया है, और इतना ही नहीं, जब जेपीसी में चुकी सभी पार्टियों के सांसद उसमें मौजूद रहते हैं और किसी ने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया। किसी ने, जब हम लोगों ने संशोधन करके इसका फाइनल प्रारूप सब लोकसभा के पटल पर रखा, वो उसके पहले जो बैठक हुई उसमें किसी भी विरोधी दल के किसी सांसद ने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया, जो कि यह बताता है कि इस बिल पर सभी सांसदों की, सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति है, और उसके लिए मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसको 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था, वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीजें निकलती हैं, उगती हैं, जो चीज उनके हर स्थानीय इलाके की जो खासियत है, उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए और उसके साथ वो चीजें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रख के एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था और उस पर भारत भी उसका सिग्नेटरी है, लेकिन 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खास करके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो थे, उन्होंने बहुत ही गलत फायदे भी उठाने शुरू किए। मैं नाम लूंगा, उसमें कुछ हमारे झारखंड के राज्य हैं, उन्होंने कह दिया कि जितनी भी आरा मिले चल रही है यह सब बायोडाइवर्सिटी में आता है, और एक तरह से मैं कहना नहीं चाहूंगा पर अनुचित ढंग से झारखंड के सारे आरा मिलों को बंद कर दिया गया, और ये बायोडाइवर्सिटी, जो लोग जंगल के सारे कानून पालन कर रहे थे उनको लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के उस पर उन लोगों के साथ एक तरह से जो गरीब लोग जो कि 100 मिल से जीते थे उन सबों पर के साथ बहुत परेशान किया गया। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को अचानक आइडिया आ गया कि कोयला हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगी थी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना था कि हम सामान लाते हैं, तरीके से खरीद के लाते हैं, उसके बाद भी कोई एक अफसर आ जाता है और कहता है कि आप सबको जेल में डाल देंगे क्योंकि आप जो सामान, आपके पास जो जड़ी बूटी है या जो भी प्रोडक्ट है, यह चोरी किया हुआ प्रोडक्ट है, और इस तरह से एक पूरे अफवाह फैल रहे थे। इसमें पहले भी एबीएस का था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन बनता है तो वह महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो पंचायतों को जो बेनिफिट शेयरिंग देना था वह शून्य है। उसी प्रकार उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा जंगल है, बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, पर उनसे ग्राम पंचायतों में बनने के बावजूद भी कोई एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग उन उड़ीसा को भी कुछ भी नहीं मिल पाया। इस तरह से लगभग 11 राज्य हैं जिनको, जहां पे वो चीजें उनकी खासियत है, चाहे जड़ी बूटी हो, औषधीय पौधे हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकता है हर्ब्स का, लेकिन उसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा था। और मैं भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 लाया वह इतना अच्छा और इतना बैलेंस था कि हमारे सभी कांग्रेस के सांसद भी इसके लिए तैयार हो गए कि नहीं, ये संशोधनों के साथ हम बिल पारित करेंगे। इसमें दो चीजों को मैं जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा कि पहली बार जो भारतीय कंपनियों को इसमें फायदा दिया जा रहा है कि वो सिंपली रजिस्टर करके और अपना रिसर्च भी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जो पहले नहीं था। विदेशी कंपनियों के लिए आज भी पहले ही वाले नियम है, उसी तरह से जो भारतीय कंपनियों में अगर विदेशी शेयर भी है तो उन पर पहले बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अगर अब भारतीय कंपनियां भारतीयों के द्वारा अगर ओन की जाती है तो उनको भी भारतीय कंपनी मानते हुए फायदा दिया जाएगा। उसी तरह से इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी रिसर्च कर सकता है, और अगर रिसर्च मिलकर उसको सक्सेसफुल होता है तब उसको विशेष परमिशन की जरूरत होगी। और इसमें एक जो अफवाह कोई कोई उड़ाता है कि
इसमें विदेशी कंपनियां फायदा उठा लेंगी, उन पर भी पेटेंट लॉ लागू होगा। और सबसे बड़ा फायदा है कि अब जब हम खेतों में औषधीय पौधों को बनने देंगे और वो वहां पर गांव में रजिस्टर्ड होंगे, तो जंगल से जो औषधीय पौधों की जड़ी बूटियों की चोरी होती थी वह सब अब रुक जाएगी और इसमें सभी का फायदा होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि, और सदन से भी अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार जेपीसी में सभी ने सर्वसम्मति से संशोधनों को अप्रूवल दिया है, कृपया कर आज भी सभी इसको सर्वसम्मति से संशोधन दे। मैं जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।